एक चीज को और पूरा करना चाहता हूँ, चूंकि मैं उस चीज को नहीं कहूंगा तो मेरा उत्तर अधूरा रहेगा। मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूंगा हमारे एडवोकेट उज्जवल निकम जी का, आज सुबह थे वो यहाँ पर। और ये उज्जवल निकम जी ने ये बात को प्रतिपादित किया कि अगर 12 FIR रखेंगे तो जिंदगी में ये केस समाप्त नहीं होगा, इसको एक FIR में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। और जिस समय मैं मुख्यमंत्री था और ये केस चल रही थी, नहीं मैं एक जो आप बात की मैं घुमा देते हैं, मैं आज बड़ा स्पष्ट से पूछ लेता हूँ उज्जवल निकम जी से। तो हमने पूछ लिया सब कुछ जो पूछना था। आप ये बताइए कसाब के ट्रायल के लिए आपने क्या क्या बात की थी उज्जवल निकम जी के साथ, आपकी क्या बात हुई थी, वो आप दोनों की बातें, मगर आज मैं चाहूंगा कि पांचजन्य के दर्शक पाठक वो कहानी भी जाने। देखिए कसाब के ट्रायल के लिए बहुत सारी चीजें हम लोगों ने की, और उज्जवल निकम जी जिस प्रकार से हमको गाइड करते थे, सरकार का विल हमने उनके पीछे खड़ा किया। और विशेष रूप से इसमें पाकिस्तान के षड्यंत्र को अगर उजागर करना है तो डेविड हेडली, इसकी साक्ष्य होना बहुत जरूरी था। और डेविड हेडली ये अमेरिका के जेल में भी था और एक प्रकार से उनके संरक्षण में भी था। तो मैंने स्वयं उस समय, फिर मुझे उज्जवल निकम जी ने कहा कि हम भले ही उसको ऑनलाइन उसकी साक्ष्य करें, वर्चुअल साक्ष्य करें, लेकिन ये साक्ष्य बहुत महत्व की है, इससे पाकिस्तान का पूरा षड्यंत्र ये ध्यान में आएगा और इस केस की अंतिम कड़ी ये है। तो मैंने फिर NSA साहब से बात की, PM साहब से बात की, और उनको मैंने कहा कि आप अमेरिका से बात करके ये परमिशन दिलवाइए कि उज्जवल निकम जी और हमारे लोग जो है वहां जाए और वहां पर जाकर उनके सिस्टम के अनुसार उनके जजेस के सामने उसको डिपोज करें। और उसके बाद उस प्रकार की परमिशन मिली, वो परमिशन लेकर वो वहां गए, वहां के सिस्टम के अनुसार वहां पर अर्जी करके उनके जजेस के सामने वो परमिशन लेकर कंप्लीट डिपोजिशन हुआ। और वो डिपोजिशन ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उस डिपोजिशन ने ये सारी कड़ियां मिलाई कि कैसे पाकिस्तान की सरकार ने कसाब और ये सारे आतंकवादियों को पैसा देकर रिक्रूट किया था, ट्रेन किया था, रिसोर्सेज दिए थे, कैसे ISI और पाकिस्तान की आर्मी इसके पीछे थी, ये सारी चीजें उससे स्पष्ट हुई। और उसके बाद ये फैसला जो आया वो हम सब ने देखा। मतलब जो कड़ियां बिखरी हुई दिखाई दे रही थी उसमें पीछे आप तार जोड़ने का काम पीछे से आप कर रहे थे। नहीं, जो ये अनुमतियां बहुत सरल नहीं होती अगर मैं कहूं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर मोदी जी की सरकार नहीं होती तो अनुमति मिलती नहीं, क्योंकि डेविड हेडली को उसकी तफ्तीश करने के लिए या पहले लगातार डिनायल मोड में था इंडियन गवर्नमेंट के, और अमेरिका ने, USA ने किसी और को परमिशन नहीं दी, किसी को नहीं दी, क्योंकि एक प्रकार की जेल में उसको एमनेस्टी थी। वहां पर केवल मोदी जी की सरकार के कारण, जो एक मोदी जी के अपने संबंध थे, जो उन्होंने एक बायलैटरल रिलेशन तैयार किया था और भारत का जो महत्व बढ़ा था, इसके कारण ये परमिशन मिल पाई।